अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। पालक मंत्री ने रोका वासी के विरंगुला केंद्र का निर्माण, भाजपा का आरोप, राजनैतिक साजिश में कांग्रेस ने अटकाया रोड़ा। नई मुंबई मनपा चुनाव से ठीक पहले ही वासी सेक्टर 17 का यही वो विरंगुला केंद्र है जिसके निर्माण को लेकर भाजपा, कांग्रेस और महाअघाड़ी के नेता आमने सामने आ गए हैं। आरोप है कि कांग्रेस जिलाध्यक्ष अनिल कौशिक ने अपनी हार का खुन्नस निकालने पालक मंत्री एकनाथ शिंदे से बोलकर इस विरंगुला केंद्र का निर्माण रुकवा दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय नगर सेविका के पति संपत सेवाले ने कहा कि यह एक राजनैतिक रंजिश और बुजुर्गों के लिए चल रहे विकास कार्य को रोकने की कोशिश है। उन्होंने सवाल उठाया कि 70% काम पूरा होने के बाद विरंगुला केंद्र का निर्माण रोकने की भला जरूरत क्या थी। हर एक सेक्शन का परमिशन लेने के बाद ये विरंगुला केंद्र का ऑर्डर मिला, कार्यादेश मिला और उसके बाद एक काम चालू हो गया। लेकिन काम होने तक, 70% काम होने तक कोई नहीं आया। जब कभी काम 70% हुआ तो भी एक काम जो कर रहा है ये खाली ज्येष्ठ नागरिक के लिए कर रहा है, हमारे लिए नहीं कर रहा है, अदर लोगों के लिए नहीं कर रहा है। कि सेक्टर 17 में ज्येष्ठ नागरिक का संख्या बहुत है। अभी भी आप देखा होगा कि इधर पत्रकार परिषद कर कम से कम 30-40 ज्येष्ठ नागरिक आया। और ये ज्येष्ठ नागरिक के लिए जो काम करते हुए हमको जो समाधान मिलता है, मैं तो बोलेगा तो आप हैरान हो जाएगा कि 1400 ज्येष्ठ नागरिक का मैं बर्थडे बनाता हूँ, हर साल में ज्येष्ठ नागरिक का सत्कार करता हूँ। और ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र जो है ये ज्येष्ठ नागरिक का एक मंदिर है। और ये मंदिर रुखाना काम जो कांग्रेस का उम्मीदवार हरा हुआ, तीन टाइम हरा हुआ उम्मीदवार करता है, ये बराबर नहीं है। पालक मंत्री के पास गया तभी इसने काम रुकाया। लेकिन पालक मंत्री के पास ये क्यों गया, इसका क्योंकि इसको इधर कोई मानने वाला सेक्टर 17 में है ही नहीं, इसलिए पालक मंत्री के पास गया, कमिश्नर के पास गया, महापालिका में गया। मेरा बोलने का मतलब है कि लोगों ने 3 टाइम उसको हटकारा है। अभी जब भी कुछ हरा होता आदमी जो होता है, उम्मीदवार होता है या कोई भी आदमी कोई भी काम में हर जाता है तो वह बेचैन होता है। ऐसा है बेचैन कौशिक हुआ है, इसीलिए काम ये रुकाया है। मैं तो महापालिका को विनंती करूंगा कि ज्येष्ठ नागरिक विरंगुला केंद्र है, ये सीनियर सिटीजन के लिए है, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी इसका निपटारा करके एक काम जल्दी होना चाहिए। और काम कंप्लीट होने के बाद ये ज्येष्ठ नागरिक के लिए एक समाधान होना चाहिए कि जल्दी काम करने के लिए मैं सबको एक विनंती करता हूँ। कॉन्फ्रेंस में मौजूद भाजपा जिलाध्यक्ष रामचंद्र घरत और सभागृह नेता रविंद्र थापे ने भी इसे विकास में बाधा बताते हुए कहा कि हम मामले को महासभा में उठाएंगे और आयुक्त से पूछेंगे कि जिस काम को मंजूरी के बाद प्रारंभ किया गया था उसे भला क्यों रोका जा रहा। उन्होंने कहा कि यदि समाधान नहीं हुआ तो भाजपा तीव्र आंदोलन छेड़ेगी और महाविकास आघाड़ी नेताओं की नीयत का पर्दाफाश करेगी। हमारे नगर सेविका दयावंती सेवाले इनके वार्ड में एक विरंगुला केंद्र बन रहा था, उसका काम भी 70% पूरा हुआ, लेकिन ये महाअघाड़ी बन गई, ये तीनों की सरकार बन गई और सरकार का फायदा उठाते हुए जो सेवाले साहब के अगेंस्ट 3 बार खड़ा हुआ, 3 बार गिर गया, ऐसे कांग्रेस के नेते ने इसके ऊपर आक्षेप लिया और एक राजकीय हेतु आपका साथ उनका साथ करने के लिए कोशिश की। लेकिन यहाँ पे जो सीनियर सिटीजन लोग हैं, यहाँ की जो जनता है उसका उत्तर उसको बराबर दे रही है। जिस दिन हमारे दयानंदी सेवाले ने वहाँ पे एक लक्ष्य दिलाई, उसके पहले दिन रात को रात छुट्टी होते हुए भी वहाँ पे काम शुरू करने का आदेश दिया गया, लेकिन उसके बाद वापस कुछ पालक मंत्री का लेटर आया ये काम बंद किया जाए, वापस उसने बंद किया है। लेकिन आने वाले 4 तारीख को महासभा में
वापस एक लक्ष्य वेदी आएगी, उस लक्ष्य वेदी में इसका जवाब हम लोग पूछेंगे। अगर उस पर भी ये चालू होता नहीं तो बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी आंदोलन। फिलहाल इन आरोपों पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल कौशिक प्रतिक्रिया के लिए उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन नाराज वरिष्ठ नागरिकों ने उनसे अपील की कि विकास कार्यों में राजनीतिक द्वेष लाना उचित नहीं है, इसलिए जिला अध्यक्ष और पालक मंत्री को सकारात्मक पहल करना चाहिए। ये सीनियर सिटीजन अगर नहीं बनाया जाता है किसी कारणवश, तो हमारे जो 17 के वार्ड क्रमांक 63 के कम से कम नहीं बोलेगा ना तो 400 से 500 सीनियर सिटीजन प्रभावित होंगे, बहुत दुखी होंगे और इतने दुखी होंगे कि उनकी आशीर्वाद तो नहीं तो उनकी बद्दुआ तो लगेंगे। नहीं रोकने चाहिए, लेकिन ये रोके जा रहे हैं क्योंकि उनके पास मुद्दे नहीं है। आज वो 3 बार हारे हैं, यानी कि ये 15 साल वो राजकीय में नहीं है, और उन्होंने खुद सोचना चाहिए कि एक टाइम जब वो जीते थे तो वो खुद उप महापौर थे, उप महापौर के पद संभालने के बावजूद अगर वो ऐसे कृत्य करते हैं तो ये गलत चीज़ है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।